आज का अपना सब्जेक्ट रहेगा वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान को पढ़ने से पहले कुछ जो अपने जनरल मुद्दे हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, जिससे ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा आसान जाए, क्योंकि इसका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बहुत अच्छा है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, बहुत ही सीधा सा सब्जेक्ट है और आराम से अपने दो क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहे हैं, तो दो क्वेश्चन तो कन्फर्म हो ही जाते हैं, आराम से किए जाते हैं उसे। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, जैसे कि इस साल अपना जब प्रीलिम ख़त्म हुआ था यूपीएससी 2020 का, तो इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डायरेक्ट आईएफएस मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ ऐसे बंदे थे कि जिन्होंने बोला नहीं मैं पहले सिविल दूंगा इसके बाद आईएफएस दूंगा। तो दोनों ही ने, जिन्होंने सिविल के बाद आईएफएस देने जा रहे हैं अभी, तो उन्होंने जो भी उनके पास 1 मंथ का टाइम मिलेगा या आपके पास 3-4 मंथ का जो भी टाइम है, आप क्या करोगे, आपका टाइम है, आपका जो टारगेट है, एम है, वो है एग्ज़ाम जिसे आपको क्लियर करना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास जो टाइम स्पान है, ड्यूरेशन है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। कि जनरली जैसे प्लान होता है कि हम कम से कम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करके एटलीस्ट कम से कम 3-4 बार उसका रिवीजन कर लें। थोड़ा गला बैठा हुआ है तो शायद आवाज़ भर्रा रही हो, बट अभी ऐसे ही इसे चलाना पड़ेगा, गला चेंज नहीं कर सकता। तो आपने जो भी प्लान बनाया उसमें अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने एक कुछ पेपर उठा लिए, आपने ये देख लिया कि भाई हमारे पास जीएस का सिलेबस ये है, इंग्लिश का ये है, आपकी जो 2 ऑप्शनल है उनके सिलेबस आपने लिख लिया। लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो कि किस किस का क्या रिसोर्सेस वगैरह आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बुक्स चाहिए, जो भी है रिसोर्सेस आपने लिख लिए, उन्हें एक साइड रख लिया, या फिर रिसोर्सेस कौन कौन से ख़रीदने हैं वो आपने लिख लिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज से फिर अपना वो एक पुराना फंडा है जो मेजोरिटी स्टूडेंट करेंगे, कि फिर अपना एक वीकली टारगेट सा बन जाता है कि भाई इस वीक में हमें ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, इस वीक में ये चैप्टर कवर करना है, इसमें ये करना है। इस टाइप से एक मस्त वाला प्लान बनता है और दीवार पे जाके चिपक जाता है। पर्पज होता है कि हम उसे प्रॉपर वे में फॉलो करें तो हम अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर लें। तो आपका जो प्लान बना उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, बस सेम कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है फॉरेस्ट एरिया पे। अब फॉरेस्ट एरिया हमारा काफ़ी बड़ा एरिया है, 23% के आसपास अपना ज्योग्राफिकल का एरिया फॉरेस्ट के अंडर है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। इस पूरे एरिया को अगर हमें मैनेज करना है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अपना फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो अकेले मैनेज कर सके? नहीं हो पाता है, एक आदमी के बस की बात नहीं है इतना बड़ा एरिया मैनेज करना, क्योंकि जो ट्री स्पीसीज हैं अलग अलग एरिया के, देश में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, हर टाइप के टेम्परेट जोन है, जो अपने टेम्परेचर जोन है, तो हर एरिया की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उन एरिया में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, उसमें रहने वाली वाइल्ड लाइफ है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, यानी कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं उसके, हर स्टेक होल्डर के अपने इंटरेस्ट हैं, तो उनके इंटरेस्ट को भी सर्व करना है, फॉरेस्ट को भी सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करना और प्रोटेक्ट करना है। और कभी कभी जैसे हम लोग किसी इंटरनेशनल समिट में गए और कोई कमिटमेंट करके आ गए, जैसे कि अपने 2015 के आसपास जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया कि हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन CO2 का सिंक क्रिएट करेंगे। तब ऐसे जो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट है या जो नेशनल कमिटमेंट है उन्हें भी अचीव करना है, तो ये सारे कैसे अचीव किए जाएं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सबको अचीव करने के लिए आप एक लंबा सा ऐसी अपनी, जैसे ये तो 3rd मॉड्यूल की बुक है, इस टाइप की एक नोट्स प्रिपेयर करोगे। उस जो नोट्स है, जो यानी कि एक जो किताब, जो बुक जो प्रिपेयर करने वाले हो आप, उसी को बोलते हैं वर्किंग प्लान। ये जो प्लान बनाओगे कि हमें जो टारगेट है जहाँ पर हमें पहुँचना है वहाँ तक कैसे पहुँचे,
तो अगले 10 साल या 15 साल, जो भी आपका वर्किंग प्लान का ड्यूरेशन हो, कि अगले 15 साल में हमारा ये टारगेट रहेगा, हमें यहाँ पर अपने जंगल को लेके जाना है। आपकी करंट कंडीशन जो भी हो जंगल की, यहाँ पर जो रियलिस्टिक हो, जहाँ पर पहुँचा जा सके। ऐसा नहीं कि भाई बोला कि हमें जाना कहाँ है, बोला अगले 10 साल में हमें मार्स पे, मंगल पे, इस पे, मून पे नहीं, मार्स पर अपनी कॉलोनी बसानी है। तो भाई ऐसा भी अनरियलिस्टिक ना हो जिससे अचीव किया ही नहीं जा सके। तो कोई ऐसा प्लान हो जो रियलिस्टिक हो, ऐसे अपने टारगेट हो, उन टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीज है वो, पूरा सब कुछ डिस्क्रिप्शन इस बुक में होगा, स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्या हमें अचीव करना है वो इसमें होगा, कैसे अचीव करना है वो इसमें होगा, किस वे से करना है वो सारी चीज़ें होंगी। और इसके लिए जो नेसेसरी और चीज़ें हैं, जैसे कि ये एरिया जो है, इसमें इससे पहले कौन से प्लान अप्लाई किए गए थे, अप्लाई करते समय क्या समस्याएं आई थी, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। यहाँ का लोकल का जितना भी डाटा होगा, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, टोपोग्राफी हो, क्लाइमेटिक इफेक्ट, टोपोग्राफिक बायोटिक फैक्टर, सारा पूरा डाटा इसमें होगा। डिफरेंट टाइप के मैप्स होंगे, सब कुछ होगा इस किताब में। यानी कि ये वो प्लान होगा, वो अपने पास वीपन होगा, तैयार होगा, जिससे अपन ये जो जिस एरिया के लिए बनाया गया है। जनरली एक वर्किंग प्लान एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बनाया जाता है, जो DFO लेवल पर बनता है वर्किंग प्लान। तो एक ऐसे समझ सकते हो कि एक किताब एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो फॉरेस्ट एरिया है, एक किताब एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये उस फॉरेस्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के जो फॉरेस्ट को के साथ क्या करना है, उसका पूरा प्लान इस किताब में होगा। और ये हो गई वर्किंग प्लान। तो ये जो अपनी किताब है, यही है वर्किंग प्लान। अब हमें डिस्कस क्या करना है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि वर्किंग प्लान है क्या, कुछ नहीं है, एक बुक है। अब देखते हैं अपने आखिर वर्किंग प्लान पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो अपने क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस देख लो बेसिकली। एक तो ये देखना है कि देखो हर साल लगभग पिछले लास्ट 3 ईयर से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर बाद में एक एक आया है, और जनरली लगभग हर साल ही क्वेश्चन आया है पिछला, ये पैटर्न 12-14 कुछ हो, तो देखिए ओवरऑल देखा जाए तो वर्किंग प्लान से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट थिंग, एक या दो दो तो अभी रिसेंट में आ ही रहे हैं, लेकिन अगर किस्मत खराब भी रही तो एक तो आने ही आना है। अब यहाँ पर जैसे जैसे 2014 में नहीं आया, 2014 में वर्किंग प्लान पे एक कोड आया था, इसके बाद फिर वर्किंग प्लान बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो यहाँ पर एक कोड आया था, उसे भी देखेंगे, नेशनल वर्किंग प्लान जो कोड आया था 2014 का, उसके बाद पहले इतना नहीं था जितना अब इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसे भी देखने की पॉसिबिलिटी रहती है अपने, कि दो क्वेश्चन की नहीं हुआ तो एक तो क्वेश्चन आना ही आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, आराम से सुनो समझो और आराम से अपना आराम से मज़े में ये सब्जेक्ट निकल जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर अभी तक के ये जो क्वेश्चन है, इनमें पूछा क्या गया है, पिछले साल के क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो कुछ मैंने लिख लिया ऐसे जिससे सब्जेक्ट थोड़ा समझने में आसानी हो। तो इसमें सबसे पहला जो इनका मुद्दा है वो तो यही है कि आखिर ये जो अपना वर्किंग प्लान है, ये जो वर्किंग प्लान है आखिर ये क्या है, इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों बना रहा है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्या है वो। और फिर आता है इसके कुछ सेलेंट फीचर, यानी कि एक आइडियल वर्किंग प्लान कैसा होना चाहिए। तो इस पर वर्किंग प्लान पे यही 3 मुद्दे हैं, इसके ये है क्या, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव या स्कोप वगैरह, मतलब फ्यूचर में कहाँ यूज किया जा सकता है, स्कोप वगैरह क्या है, और इसके सेलेंट फीचर। इसके अलावा बीच बीच में अपन लोग इसकी जैसे हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जब स्टार्टिंग की गई थी तो डॉक्टर जो ब्रांडिस थे, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे इस पर काम शुरू होने लगा था। तो ये हिस्ट्री से भी थोड़ा रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पर भी एक क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर ब्रांडिस जो है उन्होंने वर्किंग प्लान में क्या रोल प्ले किया, तो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट देख लेंगे। फिर इसमें आता है वर्किंग प्लान का क्या टाइम पीरियड रहता है, वर्किंग प्लान ये जो अपनी ये किताब है, बुक है, ये कितने साल के लिए बनाई जाती है, जनरली 10 साल या 15 साल, जो भी पीरियड हो उसे देखेंगे, और इससे रिलेटेड छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी। तो इसमें एक हिस्से में तो हम इसके बारे में देखेंगे। फिर
फिर मुद्दा आता है कि आखिर ये जो बुक है यानी कि वर्किंग प्लान है कैसे बनाया जाता है। तो इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड जो है उसको स्टेप में, सेकेंड स्टेप में हम उसे समझेंगे, और फिर थर्ड स्टेप में हम एक एक टाइप से एक मॉडल जो एक वर्किंग प्लान का फ्रेमवर्क कैसा होता है, जैसे अपने सपोज ये नोट्स ही ले लो जो अपना थर्ड एडिशन है, थर्ड मॉड्यूल है अपना। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें अपने जो 5 सब्जेक्ट है वो है, स्टार्टिंग में फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, फिर वर्किंग प्लान है, फिर मेंसुरेशन है, फिर रिमोट सेंसिंग है, और इंजीनियरिंग सर्वे। यानी कि ये बुक जो है वो 5 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है और हर सब्जेक्ट कुछ चैप्टर में डिवाइडेड होगा। वैसे ही वर्किंग प्लान के 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट में बहुत सारा डाटा, जो सेकंड वॉल्यूम होता है उसका या सेकंड पार्ट जो होता है उसमें कि हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। तो उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क देखेंगे, और जो लास्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसका 4th पार्ट आएगा, 4th पिलर आएगा वर्किंग प्लान का, उसमें हमें ये देखना होता है कि आखिर ये जो वर्किंग प्लान है वो अलग अलग एरिया में कहाँ हेल्प कर रहा है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, ट्रैवल इकोनॉमी में, या फिर फार्मर की इनकम डबल करने में, ट्रैवल डेवलपमेंट में। तो ये जो अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, वर्किंग प्लान वहाँ कैसे अप्लाई कर रहा है। इसी में बीच में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जब वर्किंग प्लान को हमें अप्लाई करना हो, देखो किसी भी चीज़ को बनाना एक बात है लेकिन उसे ग्राउंड पर अप्लाई करना वो एक डिफरेंट एंगल है, तो उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार और देख लेता हूँ इसमें, तो वर्किंग प्लान में क्या है, उसकी क्या है वर्किंग प्लान, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव है, सिलेंट फीचर है, हिस्ट्री है, वर्किंग प्लान पीरियड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। फिर मुद्दा आता है इसका, इसकी प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन की जो वेरियस स्टेजेस हैं उन्हें पूछा गया है। फिर ये पूछा गया कि आखिर आज के टाइम के जो वर्किंग प्लान हैं उनमें ऐसी क्या चेंजेस किए जाएं, क्या प्रिस्क्रिप्शन में या उनके बनाने के टाइम पे क्या चेंजेस किए जाएं जिससे जो वर्किंग प्लान है वो बहुत और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। ये क्वेश्चन जनरली उस टाइम का है जब ये 2014 का कोड आने वाला था, उसका ड्राफ्ट आ गया था। तो एक बात चल रही थी कि पहले के जो वर्किंग प्लान थे 2014 से पहले के, वो एक टाइप से ऐसे होते थे कि ऊपर से बन के आते थे आसमान से और नीचे थोप दिए जाते, आसमान आई मीन PCCF CF ऊपर के लेवल से बनाए जाते थे और नीचे पकड़ा दिए जाते थे, इसे चलो ये तो मैं करना है और नीचे के फॉलो करते थे। अब आज के टाइम पे ये है कि नीचे से डाटा गैदर किया जाता है, तो वो जो नीचे के लोकल पार्टिसिपेशन है वर्किंग प्लान बनाने में, GFM कमिटी का इन्वॉल्वमेंट है, फॉरेस्ट गार्ड है, रेंजर है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो बड़ा है जिससे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बारे में डाटा प्रॉपरली आने लगा है। तो वो सारी चीज़ें थी कि क्या इसमें चेंज किए जाए जिससे जो वर्किंग प्लान है उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो जाए। फिर जब वर्किंग प्लान बनाते हैं तो उसमें कंपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन करते हैं, बहुत सारे टाइप के सर्वे करते हैं, तो सर्वे पे क्वेश्चन आए हैं कि जैसे रीजनरेशन सर्वे है, अदर भी टाइप के सर्वे हैं। फिर उसमें जब भी कोई बुक बनाई जाती है इस टाइप की वर्किंग प्लान अगर इसे मान लेते हैं, तो इस वर्किंग प्लान में बहुत सारे टाइप के मैप बनाए जाते हैं। तो फिर इसमें यही क्वेश्चन आया कि वेरियस काइंड के मैप जो है, मैप जो हैं उनके बारे में बताइए, उनका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखना है, या फिर भाई इनकी यूटिलिटी हमारे क्या क्या है, जैसे कि रीजनरेशन स्टॉक मैप है, फॉरेस्ट स्टॉक मैप है, और वेरियस काइंड ऑफ मैप्स, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर इसमें है कंपाइले, इनका लास्ट में वर्किंग प्लान का फिर प्रिंटिंग वगैरह हो जाती है। और फिर थर्ड पिलर में यही है कि इसका जो वर्किंग प्लान है इसका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्या रोल है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो अभी तक आ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि वर्किंग प्लान बनाने की अपनी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक चीज़ें तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि अगर हमें कोई किताब बनानी है या जो अपना वर्किंग प्लान बनाना है, आखिर हम क्यों बनाना चाहते हैं, जो मोटा माटी आपको एक बार समझ में आ गई होगी कि इतना बड़ा अपने पास फॉरेस्ट एरिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ले लेते हैं तो पूरे को कैसे मैनेज किया जाए, तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई फ्यूचर लुकिंग जो है एक प्लान होना चाहिए। दूसरा इशू होता है कि फॉरेस्ट एरिया में जो भी ट्री हैं अगर आज प्लांटेशन करते हैं, वो 40 साल, 80 साल, 100 साल बाद उनकी रोटेशन होता है, तो उनके डिफरेंट जो एजेस है उस पर हमें डिफरेंट टाइप की सिल्वीकल्चरल ट्रीटमेंट देने होते हैं। अब
किस पेड़ को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, कौन सा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये कहाँ से चलेगा पता? तो उसके लिए कोई तो फाइल बनानी पड़ेगी। तो वो जो फाइल है वो अलग अलग ना बनके, क्योंकि आप इसको अलग से रिपोर्ट करोगे, इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे, तो ऐसे अलग अलग ना करके एक ही बुक में आप सब कुछ डालोगे, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। तो हम बनाते क्यों हैं, सीधी सी बात आ गई अपनी, कि एक तो लॉन्ग रोटेशन पीरियड, ये भी एक दिक्कत दे देता है मैनेज करने के लिए। हमें एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, जिससे हम जो भी अपने पास फॉरेस्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसका प्रॉपरली हम उसकी मेंटेन कर सकें। कहीं पर प्लांटेशन, कहाँ प्लांटेशन वर्क करना है, कहाँ नहीं करना, उन चीज़ों को समझ सकें। या फिर एक टाइप से जो वर्किंग प्लान है वो रिकॉर्ड मेंटेन का भी काम करता है, क्योंकि जब आज का जो वर्किंग प्लान बनेगा, सपोज जो आज 15 साल के लिए बना, ये 15 साल बाद जब नया वर्किंग प्लान बनेगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि इस वर्किंग प्लान के दौरान क्या क्या काम किए गए, और वो काम फेल अगर हुए हैं कहीं पे तो कैसे हुए। जैसे इसमें कोई 25 हेक्टर एरिया में बम्बू की प्लांटेशन करनी थी, करवा दी गई, लेकिन वो फेल हो गई। तो फेल हो गई तो उसे लिखा जाएगा कि आखिर वो प्लांटेशन फेल क्यों हुई। जैसे कि वहाँ एलिफेंट आ गए थे और उन्होंने कंज्यूम कर डाली, एक बायोटिक फैक्टर हो गया। तो वो भी सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड है, क्या क्या आपने कभी अभी तक उस एरिया में किया जा चुका है, वो पूरा वर्किंग प्लान में एक रिकॉर्ड की तरह काम करता है। तो इसमें कहाँ साइट प्रिपरेशन करना है, मैनेज कैसे करना है फॉरेस्ट रिसोर्स को, यहाँ पर क्योंकि वर्किंग प्लान में अगर हमें फॉरेस्ट मैनेज करना हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन हमें इसी रिपोर्ट की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा एंगल केवल फॉरेस्ट मैनेज ही करना नहीं है, इसमें एक तो वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा एंगल जुड़ा हुआ है। पूरी विंग चल रही है वाइल्ड लाइफ की, वो अपना अपनी ढपली बजाते हैं, टेरिटोरियल वाले अपनी ढपली बजाते हैं, मीन्स सबके अपने अपने एंगल है, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। दूसरा जो ट्राइबल्स हैं उनका भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो सोशियो इकोनॉमिक ट्राइबल्स हैं उनका देखना होगा। फिर आपके जो IFS है उनका भी एक इशू है, जैसे कि जो चीज़ें डिस्कस किए जा चुकी है कि कोई एरिया में कोई IFS कर रहा था, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर क्या कर रहा था, क्या हुआ, तो कहीं रिकॉर्ड अगर होगा तो वो आगे जो आएगा वो आगे प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेगा। फिर यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनका भी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पर रहता है। और जैसे कुछ नई चीज़ें करनी हो, कंपा है, रेड, जैसे रेड इनिशिएटिव था कि हमें जो फॉरेस्ट है उनसे जो CO2 इमिशन हो रहा है या मीथेन गैस का इमिशन है उसे रिड्यूस करना है, तो कैसे करोगे, सिस्टमेटिक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए, और उसके लिए वर्किंग प्लान सबसे इफेक्टिव टूल होता है। अब समझते हैं कि आखिर वर्किंग प्लान है क्या, इसकी डेफिनेशन। तो अब जैसे इसमें ये एक बुक होगी अपनी, इसका फर्स्ट वॉल्यूम है वर्किंग प्लान का। तो वर्किंग प्लान जनरली होता है या तो 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। ये 10 साल के लिए, 2017-18 से 26-27 के लिए, यानी कि 10 साल के लिए। जो भरूच, इनका कबीरबाद भरूच लिखा हुआ है, शायद ये कबीरबाद डिस्ट्रिक्ट होगा। और प्रिपेयर करने वाले हैं SK चतुर्वेदी, IFS है वहाँ पे, एडिशनल PCCF हैं ये, गुजरात स्टेट गांधीनगर फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये एक बुक का फर्स्ट वॉल्यूम होगा। वर्किंग प्लान के जनरली 2 वॉल्यूम होते हैं, फर्स्ट में हम पुराने डाटा को लेते हैं और सेकंड में फ्यूचर को लेके, यानी कि इस टाइप से बनाया जाता है कि पहले वॉल्यूम में पूरा पास्ट का और सेकंड वॉल्यूम में फ्यूचर का, तो ऐसे 2 वॉल्यूम बन जाते हैं। तो वर्किंग प्लान हुआ क्या, यानी कि हम जब भी बार बार कर रहे हैं, तो एक हमारी होती है फॉरेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी बनाई जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे 50 साल के लिए बनाई। तो 1952 की पॉलिसी आई, वो ऐसी नहीं कि कोई ड्यू डेट होगी कि 30 साल, पॉलिसी लंबे टाइम के लिए होती है कि हमें वहाँ तक जाना है। अब वो पॉलिसी को कैसे अचीव किया तो उस किया जाए कैसे अचीव किया जाए, तो उसके लिए कुछ प्लान बनाए जाते हैं। और वो प्लान इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जो अपने टारगेट हैं पॉलिसी के, वहाँ तक इस ग्रेजुअली अपन अचीव कर सकें। तो बस वही है वर्किंग प्लान। ये वर्किंग प्लान नहीं, ये रिटेन स्कीम ऑफ मैनेजमेंट एमिंग एट कंटिन्यूटी जो है, कि भाई ये रिटेन स्कीम है और इसका अपना जो पर्पज है कि अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो कंटिन्यू करती रहे, जिससे अपनी जो पॉलिसी के एम है, ऑब्जेक्टिव है, वहाँ तक पहुँचा जा सके थ्रू कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंट्रोल करते हुए उधर की तरफ जाना, ये रहा अपना वर्किंग प्लान की डेफिनेशन। तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें आराम से ये काम आ जाएगी अपनी।
अब आता है कि बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम वर्किंग प्लान क्यों बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो ये जो वर्किंग प्लान है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करवा देता है। ये पूरी बुक में गाइडलाइन लिखी होती है जिसमें पूरा सब कुछ एक फ्रेमवर्क लिखा होता है कि आपको किस वे में काम करना है, किस स्टैंडर्ड किस हिसाब से करना, कोई घटिया स्टैंडर्ड बना करके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दे दिया जाता है आपको स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक टाइप से हमें सबसे बेटर काम करता है। क्या है एक आजकल इशू रहता है डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का, तो ये जो वर्किंग प्लान है वो हमें एक इस टाइप से फ्रेमवर्क दे देता है बैलेंस वाला कि डेवलपमेंट भी ना रुके और कंजर्वेशन को भी ज़्यादा लॉस ना पहुँचे। और यहाँ पर वही है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल बेनिफिट, जो भी अपने टारगेट होते हैं पॉलिसी के, गवर्नमेंट के, दुनिया भर के टारगेट होते हैं। तो फॉरेस्ट रिलेटेड एरिया में जितने भी टारगेट अप्लाई करने होते हैं वो सब के सब अपने वर्किंग प्लान के थ्रू ही रखते हैं। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव हो गए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर और लिखे हुए हैं, पढ़ लेना उन्हें। जो अपनी नया कोड आया था वर्किंग प्लान 2014 का, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और लिखे गए हैं। तो करना यही है कि जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए गए थे प्लस इस कोड में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इन दोनों को मिला करके एक साथ एनलिस्ट कर देना। तो जैसे ये क्वेश्चन आया, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिविजनल वर्किंग प्लान फॉर द फॉरेस्ट प्लांटेशन, क्योंकि वर्किंग प्लान बनाया ही डिवीजन लेवल पे जाता है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो अपने आराम से ने लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर ये जो वर्किंग प्लान है जो हम बुक बना रहे हैं इसका स्कोप कहाँ कहाँ पर है, यानी कि इसे एज ए टूल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं इसे, जैसे कि JFM है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो माइक्रो प्लान फॉर JFM, कम्युनिटी डेवलपमेंट के कोई प्रोग्राम हो, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के इशू हैं, जैसे फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है उसके लिए हमें चाहिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट, तभी आप सर्टिफाइड कर पाओगे। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट अचीव करने के लिए आपको वर्किंग प्लान अप्लाई होगा। JFM कमिटी है या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उनके साथ वर्किंग प्लान को अप्लाई कर दो जिससे ये JFM जो प्रोजेक्ट है वो बेटर तरीके से चल पाए और जो लोकल कम्युनिटी है वो और ज़्यादा बेटर एरिया से में काम कर पाए। जैसे कि सपोज MP में जो JFM है उनका काम है तेंदुपत्ता कलेक्ट करना, जो JFM कमिटी है वो फॉरेस्ट एरिया से तेंदुपत्ते को कलेक्ट करती है। तो हम वर्किंग प्लान को इस टाइप से बना सकते हैं माइक्रो लेवल पर कि वहाँ जो तेंदुपत्ता है डायोस्पाइरस मेलानोजाइलोन उसकी प्लांटेशन कैसे की जाए कि ये इनका जो जो कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो, इनकी इकोनॉमी इम्प्रूव हो और ट्री इतने एक लेवल पर पहुंच जाए कि वो सस्टेनेबल तरीके से ये हार्वेस्ट भी कर लें और उन्हें डैमेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम वर्किंग प्लान से लिंक कर सकते हैं। फिर अगर हमें कोई क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के प्रोग्राम चलाने हो, कार्बन CO2 का सिंक करना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने बस चुटकी बजाई हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं प्लांटेशन करनी पड़ेगी या अपने जो जंगल हैं उन्हें इस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि वो CO2 की जो कंजप्शन या सिंक करने की जो कैपेसिटी वो बेटर हो सके, और उसके लिए आप सिस्टमेटिक वे में प्लान करना पड़ेगा जिससे वो चीज़ों को बढ़ाया जा सके। तो वहाँ पर लग जाएगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उससे लिंक हो जाता है। और रूरल जो अपना पॉवर्टी एलिवेशन है ये JFM कमिटी सोशल डेवलपमेंट से आराम से लिंक हो जाता है। तो इस टाइप से हम ये समझ सकते हैं कि आखिर अपना जो वर्किंग प्लान है हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं इसे। फिर अपना नेक्स्ट आता है इसके सेलेंट फीचर कि एक अच्छी किताब या एक अच्छा वर्किंग प्लान कैसा होना चाहिए। देखो कोई भी वर्किंग प्लान हो ये बेस्ड होता है डाटा पर, डाटा हाइपोथेसिस में ना हो। ऐसा नहीं कि जंगल का एरिया कैसा है, एक पहाड़ी पर आदमी बैठा हुआ है उसने लिख लिया, बोला जंगल कितना, बोला 40 हेक्टर का, कितने पेड़ हैं, बोला 40 पेड़ है। तो डाटा जो है वैसा फोर्जरी से ना हो, जो डाटा है वो रियलिस्टिक हो, रियल डाटा हो। तो ये जो प्लान है वो बेस्ड हो एक्चुअल डाटा पे, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उनके ऊपर बेस्ड हो। दूसरा इस वर्किंग प्लान के जो टारगेट हों वो रियलिस्टिक हों, उस लेवल के हों जो अचीव कर पाए। ऐसे भी नहीं कि आपने बोल दिया 2025 तक हमें
मंगल पर कॉलोनी बसानी है। अब वो इतना भी हवा में ना उड़ो कि वो किया ना जा सके, तो टारगेट जो है वो थोड़े अचीवेबल रियलिस्टिक टारगेट दे। जो वर्किंग प्लान है वो थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट हो, सिंपल हो और सब कुछ हो। ब्रीफ का मतलब हुआ इसमें सब कुछ हो, ऐसा भी नहीं कि वर्किंग प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट का बना दिया, कोई पढ़ रहा था फिर उसे एकदम ज़रूरत पड़ी कि यहाँ डिवीज़न में टेम्परेचर रेंज क्या रहता साल भर के अंदर, तो यहाँ पर फिर वो ढूंढे कहीं तो उससे टेम्परेचर का डाटा ना मिले। तो फिर क्या करते हैं कि इसमें लास्ट में पूरी एक ऐसी स्लाइड डाल दी जाती है जिसमें मंथली डे वाइज पूरा मंथली जो वीकली होते हैं 52 वीक पूरा वीकली मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर का एक रेंज होता है, जो लोकल वेदर स्टेशन से डाटा कलेक्ट हुआ हो, रेनफॉल का डाटा, तो ऐसी डाटा सीट होती है। यानी कि ये ब्रीफ है, यानी कि इसमें सब कुछ है और सिंपल फॉर्म है। ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए फॉरेस्ट से PhD करने वाले ही लगे, हाँ सिंपल हो, एक जो फॉरेस्टी बैकग्राउंड से नहीं है वो भी उसे समझ सके। तो ये सिंपल हो, ब्रीफ हो, जो अपने टारगेट हैं वो रियलिस्टिक हो और ये जो एरिया उसके थ्राउट जो नॉलेज है उस पर बेस्ड हो। ऐसा नहीं कि कोई छोटे से एरिया का सैंपल लेके बना दिया या फिर डाटा फेंक करके ऐसी मन मर्जी से बना दिया, ऐसा ना हो। दूसरा, यहाँ पर जो डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको लिमिट ना करता हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। डिस्क्रिशन का मतलब है जैसे कि हम लोग बनाते हैं कि वर्किंग प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना दिया और उन्होंने बोल दिया कि आज 2020 है, 2025 में इस ब्लॉक के आधे पेड़ों को काटना है। अब आपने 25 के लिए बना दिया, 5 साल बाद में क्या करना है, किसने देखा कि आखिर उस एरिया के साथ अगले 5 साल बाद क्या होगा। हो सकता है फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंस हो जाए, इंसेक्ट का अटैक हो जाए या कुछ ना भी हो। तो जो इसके जो एक्शन हो, जो वर्किंग प्लान में जो रिकमेंडेशन हो, वो कम से कम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो उसे कम से कम इतनी डिस्क्रिशनरी पावर दें कि अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये करने की ज़रूरत नहीं है तो वो उसे अवॉइड कर सके। ऐसा भी नहीं कि उन्हें बॉन्डेज कर दो कि नहीं तुम्हें करना ही है, तो फिर वो बोलते हैं कि भाई काटना है तो काटना है, फिर वो कचरा हो जाता है उसका। दूसरा, ये वर्किंग प्लान है, ये भी जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हैं उस एरिया की उन्हें भी समझें, इन्हें समझना चाहिए कि यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो इस लेवल की हो कि वो ये समझें कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसकी वर्किंग स्किल कितनी है, वो किस लेवल तक काम कर सकते हैं, हम कितना उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। नहीं तो आप बोल दो कि आजकल तो US में GPS चल रहा है, 4G चल रहा है, 5G आ गया है दिल्ली में, तो सबको 5G पकड़ा देंगे हम, ऐसे ऐसे करेंगे और हाली ट्री को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो जो अपने फॉरेस्ट गार्ड हैं वो 12th पास होते हैं जनरली, ये ग्रेजुएट भी मिल जाते हैं। अब उनकी अपनी मजबूरी होती है, वो एक दिमाग चलाना होता नहीं है ज़्यादा, तो आप उसे इतना टेक्निकल काम पकड़ाओगे नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोग जो है GPS चलाना नहीं आ पाता, उन्हें नहीं आता है भाई क्या कर दें। तो जो बनाया जाता है वो ऐसा हो जो थोड़ा रियलिस्टिक हो और एक जो डिपार्टमेंट है उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, तो वो सारे वर्किंग प्लान उसके हिसाब से हो। दूसरा, ये पास्ट वर्क रेफरेंस भी प्रोवाइड करवाता हो, जिस एरिया के लिए बनाया गया है उसमें पहले इससे पहले क्या क्या आपने पिछले वर्किंग प्लान में क्या क्या किया था, वो सारी जानकारी इसमें होती है। और जनरली ये जो जो भी चीज़ें जैसे प्लांटेशन वगैरह के लिए हम जो स्पीसीज को प्रमोट करें वो जनरली हमारी जो लोकल स्पीसीज है उन्हीं को प्रेफर करें, क्योंकि लोकल होंगी तो जो लोकल इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट करेंगी, उसको मेंटेन करेगी। इन एग्जोटिक जो होती है वो उतना इकोसिस्टम से लिंक होती नहीं है। तो ये अपने कुछ साइलेंट फीचर हैं, यानी कि एक आइडियल जो वर्किंग प्लान है वो कैसा होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन वर्किंग प्लान, डिस्कस ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ वर्किंग प्लान, डिस्क्राइब साइलेंट फीचर ऑफ ए गुड वर्किंग प्लान, आराम से कर लोगे। What are the main objects of preparation of divisional working plan for a forest plantation? तो अब लगता नहीं है कि working plan में ऐसा कुछ बचा है जो उसके initial phase में है, जो उसकी general description में है, जिसे आप ना कर पाएँ। अब कुछ related terminology है, जैसे कि एक तो working plan की history, ये notes में दी गई है, इसे आराम से पढ़ लोगे आप। मेनली इसमें यही देखना है कि starting phase में क्या हुई है, जो डॉक्टर ब्रांडिस जो थे
उसके टाइम पे जब वर्किंग प्लान फर्स्ट इनिशियल स्टेज में बनाए गए थे उसी चीज़ों को देखना है इसमें। बाद में आपको पता पड़ेगा, जो कई बार बोल चुके हैं, रिपीटेशन होगा, कि अपने फॉरेस्ट जो थे स्टार्टिंग में प्रोडक्शन पर्पज के लिए थे, धीरे धीरे उनमें प्रोटेक्शन का एंगल आ गया। खासकर जो 1996 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो भी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब हमारे जो वर्किंग प्लान है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था एक टाइप से वो मैन था। स्टार्टिंग कैसे होती है? स्टार्टिंग होती है अपनी 1988 की पॉलिसी से। इस पॉलिसी में एक टाइप से हम लोगों ने प्रोटेक्शन की तरफ चले गए। इस प्रोटेक्शन की तरफ जाने के बाद फिर कुछ लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दिया। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो है स्टेट सब्जेक्ट। हर स्टेट के अपने अपने वर्किंग प्लान चलते थे, किसी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई स्टेट इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो फिर 1996 में सुप्रीम कोर्ट में पहले से पेंडिंग था केस, बाद में 96 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो उसने एक टाइप से एक फ्रेमवर्क की तरफ गाइड कर दिया कि भाई आप एक काम करिए, आप कोई एक फ्रेमवर्क लेके आओ और सभी स्टेटों को दो कि भाई आपको वर्किंग प्लान ऐसे बनाना है, आपको ये एम टारगेट अचीव करने हैं, इधर जाना है। तो एक टाइप से फिर उसकी वजह से 2014 में एक वर्किंग प्लान कोड आया। इससे पहले जो वर्किंग प्लान थे हर स्टेट के अपने अपने थे, सबके अपने अपने राग अलाप रहे थे। बाद में इस कोड को सभी स्टेटों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो जो फ्रेमवर्क है हिस्ट्री की उसे देख लोगे। दूसरा आता है वर्किंग प्लान पीरियड, कि वर्किंग प्लान कितने साल के लिए बनाया जाता है। जनरली 10 साल के लिए बनाया जाता है। कुछ ऐसे एरिया हैं जो डिफ़िकल्ट साइट है, जैसे कि कॉनिफर्स हैं, जिनमें 10 साल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनके वर्किंग प्लान अपन 15 साल के लिए बनाते हैं। अब इसमें तीन शब्द और आते हैं। एक है वर्किंग प्लान, जिसे आप समझते हो, दूसरा है एनुअल प्लान, और एक है वर्किंग स्कीम। अब एक एक करके समझते हैं। पहला आता है एनुअल प्लान। ये जो वर्किंग प्लान है, जैसे कि आपने प्रिपरेशन करनी है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है 3 मंथ का, कि यहाँ तक सिलेबस कवर करना है। अब किसको सिलेबस को कैसे कवर करोगे? तो आप क्या करोगे, एक एक दिन की प्रिस्क्रिप्शन दोगे कि आज इतना करना है, कल इतना करना है, 15 परसों इतना करना है, तो उस हिसाब से चलोगे। अगर वर्किंग प्लान 10 साल का आप बना दोगे और एक बार में दे दोगे, तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट वाले, अगर कहीं प्लांटेशन करनी होगी तो वो डिपार्टमेंट वाले 8 साल तो सोते रहेंगे चादर ओढ़ के, फिर 2 साल में धुआंधार करेंगे, पूरी फायर फाइटिंग करेंगे 2 साल में लास्ट में। जैसे अपने सेमेस्टर एंड के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि 5 महीने आराम से मस्त मजे लेते हैं, और लास्ट के तो जो अपना मंथ होता है उसी में नाइट शो करना है, जो भी पढ़ना है वो सब कुछ उसी टाइम पे किया जाता है। अगर ऐसा फॉरेस्ट के साथ होगा तो अपने पॉलिसी कभी अचीव हो ही नहीं पाए, पॉलिसी के गोल। तो इनके लिए क्या करते हैं, बनाते हैं एनुअल प्लान, यानी कि जो 10 साल में अचीव करना है उसको यहाँ पर एक एक साल के टारगेट में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर टारगेट को अपन को हर साल अचीव करना होता है। इस टाइप से अपने वर्किंग प्लान को 10 पीस में, अगर 10 साल का है तो 10 एनुअल प्लान में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये रहा एनुअल प्लान, समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन देख लेना, लिखने में आसानी जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्किंग स्कीम। अब देखो, ये जो वर्किंग प्लान है या एनुअल प्लान है, ये किसके लिए बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं फॉरेस्ट एरिया के लिए, फॉरेस्ट एरिया के लिए, वो एरिया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आराम से अपने काम चला लेते हैं। लेकिन वो एरिया का क्या किया जाए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है, जैसे कि जो कम्युनिटी के अंडर हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंडर हो, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो, टाटा कंपनी की कोई इंडस्ट्री के बाहर चारों तरफ इंडस्ट्रियल प्लांटेशन थी उनके पास हो, तो ऐसे एरिया के साथ भी क्या कोई प्लान हो सकता है? तो उन एरिया के लिए जो एक प्लान बनाया जाता है उसे बोलते हैं वर्किंग स्कीम। तो ये होता है जो फॉरेस्ट एरिया से बाहर जो प्राइवेट एरिया है उन पर वर्किंग प्लान ना बना के उनके लिए एक स्कीम बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं वर्किंग स्कीम प्राइवेट फॉरेस्ट के लिए। तो यहाँ पर अपना वर्किंग प्लान का जो बेसिक चीज़ें थी वो समझ में आ गई हैं। अब देखते हैं कि आखिर वर्किंग प्लान की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। ये जो इतनी सारी जो काम है, यानी कि ये जो अपना बुक है, इसे बनाने का काम कैसे किया जाएगा? वर्किंग को समझने के लिए आप ऐसा समझ लो
कि अपन इसका वो पुराना वाले चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब से ये 2014 का कोड आया है तब से हमें वही चीज़ों पे ध्यान देना है जो इस कोड में लिखा गया है। लेकिन क्योंकि जो अपने टीचर हैं जो चेक कर रहे हैं, उनमें ज़्यादातर बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल बुक्स पे ही डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि एकेडमिक में वही पढ़ा रहे होते हैं, तो वो कई बार ये कोड से अपडेट नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना इस टाइप से है, ना तो पूरा कोड का लिखना है ना उसका, बिल्कुल मिक्सअप टाइप का, जिससे टीचर को भी इशू नहीं है, नया हो या पुराना हो वो बिल्कुल सेम सा चाहेगा अपना। अब ये होता कैसे है, यानी कि कैसे इसकी जो बुक है उसका प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे उस एरिया का डाटा कलेक्ट किया जाए, फिर उसका बुक को कंपाइलेशन किया जाए, तो ये जो प्रोसेस है उसे समझेंगे। इस प्रोसेस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि इसमें आए हैं वेरियस स्टेजेस क्या हैं इसकी, और हमें इसमें कैसे नई ज़रूरतें हैं, ऐसी क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिन्हें ऐड किया जाए जिससे ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन है, सर्वे की टाइप है, मैप है, उन सारी चीज़ों को इसमें दिया गया है, तो इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए अगर, तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ऊपर कौन आएगा, अपना PCCF, सबसे ऊपर आता है अपना PCCF, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। PCCF के नीचे अपना कौन आएगा, दो ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा अपना CCF, यहाँ पर आएगा CCF। जनरली वर्किंग प्लान का अलग होगा, और जो अपने टेरिटोरियल जिसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उसका अलग होगा CCF। इसको लिखूंगा टेरिटोरियल को T से और वर्किंग प्लान वाले को WP से, वर्किंग प्लान को। इसके नीचे कौन काम कर रहा होगा, CF, ये कौन होगा, वर्किंग प्लान का, और इसके नीचे कौन होगा, इसके नीचे होता है वर्किंग प्लान ऑफिसर, और इसके नीचे कौन होगा, CF जो है, तो यहाँ पर भी होगा CF टेरिटोरियल, और इसमें यहीं तक ले लेंगे, और इसके नीचे होगा अपना DFO। पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे जब ये वर्किंग प्लान की गाइडलाइन नहीं आई थी, जो कोड है वो नहीं आया था, उस टाइम पे जनरली DFO का रोल बहुत ज़्यादा रहता था, वही सारे कंपाइलेशन में काम करता था, या फिर यहाँ पर जो वर्किंग प्लान ऑफिसर है कुछ स्टेटों में, वो वर्किंग प्लान ऑफिसर अपॉइंट था और वो काम करता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि ये वर्किंग प्लान ऑफिसर के ऊपर बढ़ा करके टोटल काम जो है वो CF लेवल के अधिकारी को दे दिया गया है, जैसा कि कोड में लिखा है। अब इसमें होगा क्या, CF जो है वो वर्किंग प्लान, जो CF टेरिटोरियल है, जो CF वर्किंग प्लान है, ये CF टेरिटोरियल है, तो ये CCF के थ्रू, ऊपर वाले अधिकारियों के थ्रू, CCF जो टेरिटोरियल वाले हैं उनसे वर्किंग प्लान के ख़त्म होने से लगभग 6 महीने पहले ही बोल देते हैं कि भाई जो पुराना वर्किंग प्लान है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप उसका जो डाटा है वो मुझे बता दीजिए, एक आप उस पर एक छोटी सी एक रिपोर्ट, कुछ 20-25 पेज की आप एक रिपोर्ट बना के हमें बता दीजिए कि आखिर पिछले वाले वर्किंग प्लान में क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन थे, यानी कि क्या क्या ऐसी कार्रवाई बताई गई थी जो उस एरिया में अप्लाई करनी थी, और उसका परिणाम क्या हुई, वो चीज़ें जो करना चाहते थे वो हुई या फेल हो गई, और फेल हो गई तो क्यों हुई। तो एक मोटा मोटी एक रिपोर्ट जो होती है 20-25 पेज की, वैसी डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे हम लोग थीसिस करते हैं तो उससे पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं, मास्टर या PhD के जो रिसर्च होते हैं, तो जो अपनी छोटी सी 25-30 पेज की सिनॉप्सिस है, बस उस टाइप की एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के लिए पूछा जाता है। फिर जो CF है वो खुद नहीं करेगा, वो नीचे DFO को बोल देगा, और फिर DFO नीचे ऑर्डर दे करके डिपार्टमेंट से कंडक्ट करवाएगा, और फिर उसे यहाँ से वापस चला जाएगा। पहले ये काम सीधा वर्किंग प्लान DFO लेवल पे होता था, अब थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया गया इस कोड में। अब इसका होगा क्या कि ये जो पिछले 6 महीने पहले ही बोल रहा है, ख़त्म होने से पहले, इसमें क्या होगा, रिजल्ट ऑफ पास्ट वर्क, कि पहले क्या हुआ, वो फेल हुआ है, सक्सेस हुआ, क्या कोई पिछले बार अगर कोई फेल हुआ था तो उसके क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगली बार, या फिर ऐसा और क्या कुछ नया प्रिस्क्रिप्शन देना हो या कोई सजेशन देना हो, तो वो सारी चीज़ें वो इनिशियल जो रिपोर्ट है उसमें दे दी जाती है।
अब जब रिपोर्ट इसके पास आ गई, ये उसे पढ़ेगा, जो सिनॉप्सिस सीआई है उसे पढ़ेगा, फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उसे इसे रेफर करेगा। इसके बाद इसका काम होता है डाटा कलेक्ट करना। अब क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्किंग प्लान वालों के पास बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो ये इनसे रिक्वेस्ट करेगा, डायरेक्ट ना करके ऊपर के थ्रू होता है, तो ये इनसे रिक्वेस्ट करेगा। तो एक्चुअल में जैसे DFO है, कुछ एरिया में ये वर्किंग प्लान जो है CF जो है वो खुद जाएगा, कुछ में फिर वो वर्किंग प्लान ऑफिसर जो नीचे है उनसे ले लेता है हेल्प, और ये भी कम पड़ जाते हैं, तो फिर DFO है, नीचे रेंजर है, फॉरेस्ट गार्ड है, उन सबको ले लिया जाता है। कई बार जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया, जो एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स हैं उनसे बोल दिया भाई आ जाओ, तो मैं 4-5 दिन का तुम्हारी पॉकेट मनी मस्त मिलेगी, क्योंकि GPS वगैरह चलाना आता होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड डाटा कलेक्शन का काम होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो आप GPS वगैरह चला लोगे, लोकेशन कर लोगे, मस्त आना जाना फ्री है, पॉकेट मनी ऊपर से मिलेगी। तो ऐसे लंबे चौड़े लोगों को कलेक्ट कर लिया जाता है जब वर्किंग प्लान का डाटा कलेक्ट करना होता है। अब ये जो डाटा कलेक्शन की जो स्टेज आएगी, यानी कि ये फील्ड इंस्पेक्शन के लिए जाएगा, रिपोर्ट के बाद फील्ड इंस्पेक्शन को जाएगा, इसके बाद फिर इसका काम होगा डाटा कलेक्शन का। अब डाटा जब कलेक्शन का काम किया जाएगा तो फिर उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। जैसे जब डाटा कलेक्ट करेगा तो यहाँ पर वो बनाएगा कि वो एरिया की लोकेशन क्या है, पूरे एरिया का एक मैप बनाएगा, बेसिक मैप बनाएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस एरिया की वेजिटेशन कैसी है उनका, यानी कि कंपोजिशन कैसा है। जो फॉरेस्ट एरिया है ऑब्वियसली वो बटा होगा किस में, ब्लॉक में, जो फॉरेस्ट एरिया है वो ब्लॉक में बटा होगा। अब क्योंकि ब्लॉक तो बहुत बड़ा है तो ब्लॉक को बांट रखा होगा इन्हें थोड़े कंपार्टमेंट में, तो जो अपने कंपार्टमेंट है उनकी पूरी डिटेल है, जैसे कि इसे मैं एक कंपार्टमेंट एक ले लेता हूँ, दूसरा है, तीसरा है, तो यहाँ पर जो अपनी कंपार्टमेंट के डिस्क्रिप्शन होगा, कंपार्टमेंट का जो है उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह देख लेंगे कि आखिर इस कंपार्टमेंट में क्या होते हैं। फिर यहाँ पर जैसे रीजनरेशन सर्वे है उसे करेंगे, फॉरेस्ट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है यहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं, जो ग्रोविंग स्टॉक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस ग्रोविंग स्टॉक को मेजर किया जाता है कि यहाँ नंबर ऑफ ट्रीज कौन कौन सी हैं, उनकी हाइट क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना वहाँ खड़ा हुआ है, उसकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है, डाटा बनाया जाता है कि क्या चीज़ यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कितनी है, वाइल्ड लाइफ कितनी है, रेनफॉल कितनी हो रही है, टोपोग्राफी कैसी है, तो ये पूरा जो डाटा है उसे यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है सर्वे में। अब सर्वे में कुछ चीज़ें और आ जाती है अपनी, जैसे कि ये जो कंपार्टमेंट वगैरह है, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के मैप बनाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये जो एक ब्लॉक था, ब्लॉक का एक छोटा सा पार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें आपको यहाँ कंपार्टमेंट दिख रहा है, जैसे कि ये जो एक है ये एक कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, दूसरा कंपार्टमेंट आपको ये वाला रहा। तो यहाँ पर कंपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन भी आता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, 2 बार क्वेश्चन ये आ ही चुका है हाल फिलहाल में कि भाई कंपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है, या कंपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखना होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को लिखना हो तो उसका आंसर क्या होता है कि एक तो कंपार्टमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा होता है वो आपके नोट्स में पूरा दिया हुआ है, जस्ट मैं बता देता हूँ कि जैसे अपन कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन इस टाइप से एक टेबल होती है, उसमें लिख देते हैं कि कंपार्टमेंट है वो किस ब्लॉक का हिस्सा है, इसमें कौन सा वर्किंग प्लान चल रहा है, फिलिंग सीरीज, पीरियोडिक ब्लॉक, वर्किंग सर्कल, कंपार्टमेंट का नंबर, नंबर ही होगा, कंपार्टमेंट का नंबर होता है और ब्लॉक का कोई पर्टिकुलर नाम है। फिर इसी टेबल में नीचे क्या आएगा, पूरी डिटेल कि ये कंपार्टमेंट का साइज कितना है, कितना एरिया किस क्रॉप की है, किस स्पीसीज के अंडर है, और कैसे कौन सा एरिया है, मतलब कितना एरिया है जो इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, अनवर्केबल एरिया, उसकी लोकेशन, कंपार्टमेंट की बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के पिलर जो है वो भी नंबर देखेंगे, चारों डायरेक्शन से बताएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अल्टीट्यूड क्या है, स्लोप है, टोपोग्राफी, रॉक, मिट्टी, कौन कौन सी कंपोजिशन है वहाँ पर, तो ऐसे लंबा चौड़ा सा वहाँ चलता रहेगा अपना, पूरे कंपार्टमेंट की डिटेल हो जाएगी। उसी टाइम पे जब सर्वे करते हैं तो सर्वे में एक सर्वे किया जाता है रीजनरेशन सर्वे, आपके नोट्स में भी इस टाइप से दे रखा है,
अगर आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि ई जो है, ई का मतलब होता है स्टेबलाइज, ई का मतलब स्टेबलाइज। ये सर्वे कैसे किया जाता है पहले समझते हैं। जैसे अपने पास ये कंपार्टमेंट है जिसमें अपन सर्वे करने जा रहे हैं, तो पूरे का तो नहीं करते हैं, इसमें किसी एरिया में सैंपल प्लॉट डाल लिया 2 मीटर बाय 2 मीटर का या 10 मीटर बाय 10 मीटर का, जो भी है जनरली 2 मीटर बाय 2 मीटर का डाल लेते हैं, 4 मीटर बाय 4 मीटर का डाल लेते हैं। करते क्या है कि बम्बू ले लेते हैं, बांस की छड़ी चार मीटर बाय 4 मीटर की, उन्हें आपस में बांध के एक फ्रेम बना करके रख लिया, और फिर हम उस एरिया को जाँचते हैं कि उसमें क्या क्या आ गया। तो एक एक करके फिर उसमें हम स्पीसीज काउंट करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी काउंट करना है तो हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट आ चुके हैं, कौन कौन सी स्पीसीज के प्लांट आ चुके हैं, तो पूरा उनका डाटा बना लेते हैं। तो जो भी एरिया है उसे मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेते हैं कि एवरेज इस एरिया में कितनी एवरेज स्पीसीज है। तो इस टाइप से सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो जब सैम्पलिंग करते हैं उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि क्या इस एरिया में रीजनरेशन की तो कोई समस्या नहीं है, जो हम लोग सेल्टरवुड सिस्टम में पढ़ चुके थे रीजनरेशन। तो वहाँ पर उस सैंपल में हम ये देखते हैं कि कितनी ऐसी स्पीसीज हैं यानी कि नए सीडलिंग हैं जो स्टेबलाइज हो चुके हैं, जिनकी जो हाइट है वो जनरली 2.5 मीटर से या उससे ऊपर हो चुकी है, 2.5 मीटर है उससे ऊपर के नए नए प्लांट हैं यानी कि वो स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो हम फिर उन्हें दे देते हैं ई सिंबल से, और यहाँ पर ई का एक ई का मतलब होता है 5। अगर उस अपने सैंपल प्लॉट में 2 मिल गया तो अपने डाटा लिख लेते हैं 10 का। तो ऐसा एक चलता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो इन्हें याद रखना है। MCQ ये जो अपना रिटन है, IFS है, उसमें केवल इसे समझ लो कि ऐसा कुछ होता है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन को लिखना तो है नहीं। इस पर भी क्वेश्चन जैसे आया हुआ है कि रीजनरेशन सर्वे क्या होता है, तो आप बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है, मेथड क्या है, और ख़त्म काम अपना। अपन को ये टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और इसमें जो काम करते हैं वो है अपने मैप का। बहुत सारे वर्किंग प्लान के टाइम पे बहुत सारे टाइप के मैप बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन और देख लेना इसका, वो हिस्ट्री से है डॉक्टर ब्रांडिस का है। फिर इन्यूमरेट द वेरियस स्टेजेस ऑफ, क्वेश्चन में वही है कि एक तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर ब्रांडिस, दूसरा है वेरियस जो स्टेजेस हैं वर्किंग प्लान बनाने की वो क्या है, और व्हाट इज द रोल ऑफ सिल्वीकल्चर सिस्टम इन वर्किंग प्लान, ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक के जो मुद्दे थे वो समझ में आपको आ गए होंगे। अब एक और इशू है, वर्किंग प्लान जब बनाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के मैप बनते हैं क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि आप फॉरेस्ट एरिया में गए, आपका काम है कि रीजनरेशन देखना, तो आप रीजनरेशन का मैप अलग बनाओगे जिसे समझ में आ पाए कि फॉरेस्ट के इस एरिया में रीजनरेशन अच्छा है, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस एरिया में रीजनरेशन कम है तो वहाँ पर पूरा काम करोगे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जब करना हो किस एरिया में क्या करना है तो वो कैसे करोगे, तो वो कहीं ना कहीं तो पता पड़ना चाहिए ना कि किस एरिया में समस्या है। तो इस एरिया का मैप में दिखाओगे कि यहाँ रीजनरेशन की समस्या है, तो बोलोगे कि यहाँ पर इतना फंड हमें इस एरिया को देना है जैसे यहाँ का भी फॉरेस्ट सही तरीके से डेवलप हो पाए। तो रीजनरेशन मैप है, स्टॉक मैप है। स्टॉक मैप में आप ये दिखाओगे कि फॉरेस्ट में जो वेजिटेशन है वो कहाँ पर कैसी है। कंपोजिशन मैप है, वो उसी में आ जाएगा। फॉरेस्ट टाइप मैप है, एरिया बड़ा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दो टाइप के फॉरेस्ट हों, उनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। एडेफिक क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं, एडेफिक फैक्टर के हिसाब से आप बता सकते हो कि यहाँ बम्बू पैच है यहाँ पर ये। तो इस टाइप के फॉरेस्ट टाइप मैप है, यानी कि बहुत सारे टाइप के जो मैप हैं वो यहाँ पर बनते हैं, और हर एक की अपनी उपयोगिता है। रीजनरेशन मैप का पर्पज ये है कि रीजनरेशन को डिनोट करना, जिससे हम लो रीजनरेशन एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो यूटिलिटी एंड पर्पज ऑफ मैप है, ये चीज़ें अपन समझ सकते हैं आसानी से। अब यहाँ जो दुनिया भर के जो मैप बनेंगे उन्हें बस थोड़ा पढ़ लेना। यहाँ पर जो स्केल है, अगर आप ऐसे एग्जाम को दे रहा है जिसमें MCQ बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चन, तो उनमें जैसे कि सिक्किम PSC है या कुछ साउथ इंडिया के जैसे कर्नाटक के एग्जाम है जहाँ हिंदी इंग्लिश टाइप के मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर हमें इन टाइप की स्किलों को याद रखने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज आपको स्किल याद नहीं रखनी है, सीधा एक एवरेज पता हो, कुछ को एक आध दो को याद रख लो, जिससे ऐसा भी नहीं कि जब लिखना हो तो ऐसा लगे इसे तो कुछ पता ही नहीं है।
एक और बात है कि आपने अगर जो कुछ बुक्स पढ़ रहे होंगे, रिफ़र कर रहे होंगे, उनमें ये जो डाटा है वो थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है आपको, क्योंकि ये लिखे गए हैं कोड से, जो वर्किंग प्लान कोड है वो अपडेटेड है। तो वहाँ में ये है, जो अपनी पुरानी बुक्स हैं उनमें इससे पहले का डाटा है, तो उनमें क्या है कि जो अपनी सैटेलाइट इमेजरी है उस टाइम पे सेंसर इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो इनकी जो स्केल है वो थोड़ी छोटी, या बोल सकते हो थोड़ी छोटी स्केल है। जैसे कि यहाँ पर हम मैनेजमेंट मैप है, सपोज ये अभी बना रहा है एक 1:50 का, पहले सपोज बना रहे होंगे 60 का या 17 का, क्योंकि उस टाइम पे जो स्केल थी सैटेलाइट के सेंसर उतने अच्छे नहीं थे। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो हम इसे थोड़े शार्पनेस करते जा रहे हैं, उसे छोटे लेवल पे बनाते जा रहे हैं। इसी में एक फॉरेस्ट टाइप मैप में इस टाइप का रहेगा कि कौन से एरिया के लिए क्या कलर यूज करते हैं, ये भी हमें रट्टा नहीं मारना है, बस समझ लो देखने के लिए कि हाँ भाई ऐसी भी बकेती चलती है, जिससे अगर फ्यूचर में आप जब ग्राउंड पे पहुँचो तो समझ में आ जाए कि इस टाइप के हम कलर वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन याद रखना किसी को है नहीं इसमें से। लास्ट में देख लेते हैं कि आखिर एक मॉडल जो वर्किंग प्लान है वो दिखता कैसे है। अब यहाँ पर तो मैं ऐसे अगर वर्किंग प्लान होता है तो प्रिंट आउट करके देख ऐसे कर देता, या फिर एक काम कर सकता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोई वर्किंग प्लान की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर एक बार देख लें। उसे देखने का पर्पज है, जब चीज़ें सामने आ जाती हैं तो आसानी से हो जाती है कि हाँ ये ऐसा होता है। जनरली वर्किंग प्लान का जो फ्रेमवर्क है वो ऐसे ही होगा कि पार्ट होता है, जैसे फर्स्ट पार्ट है वो कुछ चैप्टर में डिवाइडेड होगा, वैसे इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर सेकंड पार्ट हुआ वो भी कुछ चैप्टर में डिवाइडेड होगा। अब जैसे इसमें फर्स्ट में 7 चैप्टर है, सेकंड में 6 चैप्टर है, ये रट्टा मार चीज़ें नहीं है अपनी, ये बस ये देख लो कि फर्स्ट में जो चीज़ें हैं, जो पहले से ग्राउंड में क्या क्या है, उन सारी चीज़ों का डाटा है। जैसे कि फर्स्ट में डील विथ एरिया अंडर वर्किंग प्लान, जो कौन सा एरिया है जिस जो वर्किंग प्लान के अंडर है, जिसका ये वर्किंग प्लान बनाया जा रहा है, तो उसका नेम क्या है, सिचुएशन क्या है, लोकेशन, बाउंड्री, डिस्क्रिप्शन, तो इसमें एक्चुअल में जो अपने डाटा चीज़ें हैं, डाटा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो दे दी जाएंगी, पास्ट में क्या क्या किया जा चुका है वो सारी चीज़ें इसमें दे दी जाएंगी। और सेकंड जो वॉल्यूम होगा, सेकंड पार्ट होगा, उसमें जनरली हम क्या चाहते हैं, फ्यूचर प्रिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें हम सेकंड में दिखाएंगे, बस यही है इसमें। अब देख लेते हैं वर्किंग प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों टर्म है इन्हें हम देख चुके हैं। मेन तो होता है अपना वर्किंग प्लान, वर्किंग प्लान 10 साल के लिए बनाया, हमें पता है अपने नॉर्मल सा होता है कि अपन 30 कोई टारगेट दे दो 1 मंथ के लिए, तो 25 दिन सोते हैं, 5 दिन में फिर हबड़ तबड़ करेंगे। तो ऐसा ना हो तो वर्किंग प्लान को एनुअल प्लान में डिवाइड करते हैं, और वर्किंग स्कीम होती है नॉन फॉरेस्ट एरिया का, वो वर्किंग प्लान जैसे ही है, यानी कि एक प्लान ही है। उस प्लान में ये प्रिस्क्रिप्शन होगा कि आखिर ये जो प्राइवेट एरिया है उनको किस लेवल तक हमें लेके जाना है, कैसे मैनेज करना है, उनके बॉडी के साथ कॉपरेट ही करके उसे किस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो उस पर एप्लीकेशन के लिए होता है वर्किंग स्कीम। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट वर्किंग प्लान एंड एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन, ये बड़ा है ये उसका छोटा पार्ट है। सजेस्ट द चेंजेस नीडेड इन द वर्किंग प्लान प्रिपरेशन फॉर मोर इफेक्टिव एप्लीकेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखो इनिशियल फेज में, ये क्वेश्चन कब का है, ये 2018 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बाद का आया है। इनिशियल फेज में जब वर्किंग प्लान बनाए जाते थे तो क्या होता था कि जो ऊपर के लोग बैठे हैं, जैसे कि CCF है, CF है, DFO है, ऊपर ही ऊपर वर्किंग प्लान बना दिया जाता था, उनके जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी सोच समझ है, उसके हिसाब से वो बना दिया जाता था, और फिर ऊपर से पटक दिया नीचे वालों पे, किस पे, ACF, RFO, फॉरेस्ट गार्ड जो नीचे है उन सबको बोल दिया कि भाई इसके हिसाब से तुम्हें काम करना है, इसी हिसाब से ऊपर से पैसे आते थे। अब ध्यान से उसे टेक्निकल के हिसाब से समझते हैं, ऊपर से नीचे पैसे आए, डिपार्टमेंट ने बीच में करप्शन करके खा गए, तो जो आना था वो नहीं हो पाया, या फिर जब ये कर भी रहे हैं, सपोज लीगल तरीके से कर रहे हैं, लीगल तरीके में क्या है कि नीचे फॉरेस्ट गार्ड काम तो कर रहा है, दिन भर कर रहा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वर्किंग प्लान जिसने बनाया वो तो हवा में थे डाटा, ग्राउंड के टेम्परेचर अलग है, ग्राउंड पे वाइल्ड लाइफ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, सॉइल उतनी प्रॉपर नहीं है, या ट्रैवल्स जो राइट हैं उनका वायोलेशन हो रहा है, ट्रैवल्स के साथ समस्या है।
तो इसका कहने का पर्पज ये है कि अगर आपको वर्किंग प्लान को इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना है, तो वर्किंग प्लान ऊपर से ना आकर के वर्किंग प्लान को नीचे से लेके आओ। वर्किंग प्लान बनाने में ऊपर CCF DFA वाले लोग ना इन्वॉल्व हों, वर्किंग प्लान के बनाने में नीचे जो JFM कमिटीज हैं, जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, जो रेंजर हैं, उनको भी उसमें इन्वॉल्व करो। डाटा कलेक्शन जो है, जो हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था, रैपिड रूरल अप्राइजल, पीपल पार्टिसिपेशन, PPR वाले, उन सारी चीज़ों को यूज करो डाटा कलेक्शन में। JFM कमिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट करो, NGO जो है उनको भी इन्वॉल्व करो, जिससे इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो। तो उसका एक तो डाटा कलेक्शन प्रिपरेशन में इनको यूज करो, दूसरा जब इम्प्लीमेंटेशन हो इस प्लान का, तब भी ये JFM कमिटीज हैं लोकल जो है उनको यूज किया जाए। इससे क्या होगा, जो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा आसान होगा। पॉलिसी इस हिसाब से बनेगी कि जो ट्रैवल्स हैं उनकी ज़रूरतें क्या थी उसके हिसाब से हैं, तो ट्रैवल्स को ऐसा लगेगा कि ये पॉलिसी उन्हीं ने बनाई है, वही अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए बनी है, तो वो बेटर तरीके से उसे अप्लाई करते हैं। यानी कि अपने पास चार जो आते हैं, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको करना है पब्लिक पीपल प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि इसमें पब्लिक गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर को भी लो, NGO जैसे हैं, पीपल्स को भी लो और प्राइवेट कंपनी है उन्हें भी लो, मिला करके चारों लोग मिल करके प्लानिंग करें, चीज़ों को मार्केट लिंक करो, जिससे जो प्रोड्यूस होगा इससे वर्किंग प्लान से उसको इजली मार्केट लिंक हो जाए। जैसे JFM कंपनी जब स्ट्रांग हो, उनके जब इंटरेस्ट होने दिखने लगे कि ये फॉरेस्ट अच्छा है, फॉरेस्ट ज़्यादा बेटर डेवलप है, तो उनकी प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये जब कब डेवलप होगा, जब वर्किंग प्लान बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, तो फिर वो इनडायरेक्टली वर्किंग प्लान को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने में मेन रोल प्ले करने लगते हैं। और फिर वर्किंग प्लान जब इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर उसकी जो साइड गोल हैं वो भी अचीव होने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव वही था, पीपल्स पार्टिसिपेशन से लेना। दूसरा इसमें ट्रांसपेरेंसी, जो करप्शन के एंगल है उसका पर्पज है, आप इसमें 4 P लगाओगे, PPPP, वो तो ट्रांसपेरेंसी तो इंक्रीज करता ही है, डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन भी आसान होती है। इसके साथ आप इसे टेक्नोलॉजी को भी लेके चलो, जैसे कि जियो टैगिंग है उसे इसमें ऐड कर दीजिए, जिससे अगर कुछ हो रहा है तो वो लार्ज स्केल पे मॉनिटरिंग की जा सके उसकी। अब लास्ट है कि वर्किंग प्लान के रोल क्या है, वर्किंग प्लान हमें कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हम क्या इससे कर सकते हैं। ये एज ए टूल हम, क्योंकि कई बार ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा कि वर्किंग प्लान इज ए टूल फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो वर्किंग प्लान को एज ए टूल हम डिफरेंट जो एरिया में करते हैं, ऐसे कौन कौन सी एरिया है और हम कैसे घर से कर लेते हैं। जैसे रोल ऑफ वर्किंग प्लान इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, अगर हमें फॉरेस्ट को बचाना है तो वहाँ वर्किंग प्लान एज ए टूल कैसे काम करता है। तो वर्किंग प्लान क्या क्या करेगा, जैसे कि हमें कोई एरिया है मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए हमें उसका डाटा चाहिए, वो डाटा कलेक्शन कहाँ होगा, वर्किंग प्लान के टाइम पे पूरा डाटा होता है तो वो काम कर देता है। कोई एरिया है उसका रीजनरेशन कैसा है, उस एरिया की क्वालिटी कैसी, यहाँ का ग्रोविंग स्टॉक कैसा है, यहाँ का कैसा है, यहाँ का कैसा है, ये भी डाटा है इसमें। तो किस एरिया में किस टाइप का हमें सिल्वीकल्चरल प्रिस्क्रिप्शन करना है, किस एरिया को हमें किस टाइप से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। कहाँ की जो वेट लैंड है, कहाँ है जो घटिया मीन्स वेस्ट लैंड है, वेट लैंड है या बेटर क्वालिटी की, वो सारा पूरा इसमें डाटा होगा। रीजनरेशन का स्टेटस है, वो सारी चीज़ें होंगी। यानी कि जो अपना फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, जब आप कंजर्वेशन का एंगल देखोगे कि अगर हमें कोई फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो कंजर्वेशन के सीधे सीधे एक एंगल आता है कि एक तो इस पे जो डैमेजिंग कॉजेज है उनको ख़त्म करना। डैमेजिंग कौन करेंगे, वाइल्ड लाइफ, इंसेक्ट, क्लाइमेट और ह्यूमन बीइंग। तो वर्किंग प्लान इस हिसाब से बनाएंगे कि ये चारों इम्पैक्ट उस एरिया में कम हो। ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट है तो वर्किंग प्लान में प्रिस्क्रिप्शन होंगे कि किस एरिया में, फॉरेस्ट एरिया को हमें बाउंड्री फेंसिंग वगैरह करनी है, जिससे ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस रुक जाए या वाइल्ड लाइफ का इंटरफेरेंस रुक जाए। ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज प्लांटेशन करें जिससे इस एरिया की इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस बढ़े, तो वहाँ पर आ गया। दूसरा, इस एरिया का एक तो इस पर इम्पैक्ट रोकेंगे, दूसरा इसकी प्रोग्रेस अगर बढ़ानी हो तो फिर हमें पता पड़ेगा कि इसमें रिजनरेशन कितनी है, अगर कम होगी तो फिर वहाँ रिजनरेट करेंगे, सिल्वीकल्चरल टूल यूज करेंगे, तो वहाँ पर अपन वर्किंग प्लान को यूज कर लेते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है, इसमें और भी सारी वही चीज़ें हैं, पढ़ लेना आराम से। एक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, बस बिल्कुल वही है। बायोडाइवर्सिटी को समझ लो जैसे कि जंगली जानवर है, उनका कंजर्वेशन करना है तो क्या चाहिए जानवर को, क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, बस वैसे ही उसे है, फूड शेल्टर और प्रोटेक्शन। तो आपके यहाँ पर्पज जो होगा वो पूरा उसी के आसपास घूमेगा। ये चलेगा भाई? अच्छा नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पर्पज वही रहेगा, आपको जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको फूड सप्लाई, फूड चेन जो है उसको मेंटेन करना है। तो वर्किंग प्लान में प्रिस्क्रिप्शन होगा कि यहाँ पर ये एनिमल है, इनको फूड सप्लाई के लिए 25 ट्री चाहिए और वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर प्रिस्क्रिप्शन में होगा कि यहाँ पर इस स्पीसीज का इतना प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। तो इस टाइप से उनके फूड की सूटेबिलिटी करना। वर्किंग प्लान में हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करेंगे कि यहाँ पर बोर वेल की जुगाड़ की जाए, जिससे वाटर होल बनाए जाएँ, जिससे पानी की अवेलेबिलिटी बढ़े, ड्रिंकिंग वाटर जो है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर की जुगाड़ करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हो जाएगा। अगर कुछ एरिया ऐसा है कि हमें उसे प्रिजर्व करना है, सपोज कि अगर इस एरिया में ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम एक काम करते हैं, कहीं से लेके दो टाइगरों को उस एरिया में छोड़ देते हैं। टाइगर छोड़ देंगे तो जो आम आदमी है, जो भले ही शराबी हो, रात में पेड़ काट देता था, अब उसे भी डर है, टाइगर एरिया है भाई, रात में गया टांग ले जाएगा। तो उस टाइगर के रहने से क्या होगा, जो ह्यूमन इंटरफेरेंस था वो काफ़ी लेवल तक कम हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या किया जाए बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जब कंजर्वेशन के अपने एंगल आ जाए, तो वहाँ पर ये अपने आउटर के साथ साथ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ का बोला है, जेनेटिक फैक्टर भी आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज से भी आप जोड़ दीजिए कि उससे कैसे हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, तब वो एंगल को यह जोड़ दा अपना काम हो जाता है। फिर है वर्किंग प्लान एज ए टूल फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसे देख लेना, इतना कुछ है तो अब इसमें है नहीं। रोल इन मल्टीपर्पज डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, देखो कि भाई वर्किंग प्लान के और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और कहीं भी लगा लो, इन्हें पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। वर्किंग प्लान मतलब क्या है कि आपको फॉरेस्ट से क्या अचीव करना चाहते हो। अब आपको अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए तो आप ऐसी ट्री स्पीसीज को प्रमोट करोगे, फॉरेस्ट मतलब सोशल फॉरेस्ट के अंदर कर सकते हो, या फिर जो फॉरेस्ट्री के दो पार्ट हो गए, जहाँ पर आप प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री यूज कर रहे हो या इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री यूज कर रहे हो, वहाँ पर आप उसे इस हिसाब से कर सकते हो कि आपकी जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपका कंजर्वेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सके, रेजन टेपिंग का काम चल रहा था वो हो सके, रेजन सिल्क है, हनी बी पालन है, हनी बी कल्चर जो है उसका काम हो सके। तो आपकी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी वर्किंग प्लान को जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको फॉरेस्ट को उस हिसाब से टर्न करना, मॉडिफाइड करना है कि आपके जो पर्पज़ है वो हो जाए। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, जिसे भी लिखना हो, तो ट्राई करो कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको आसानी से आ जाए। लास्ट में एक आता है वर्किंग प्लान और मैनेजमेंट प्लान, कि ये क्या है, डिफरेंस है देख लेना। बस इतना होता है कि जो अपना वर्किंग प्लान है वो तो बनाया जाता है मेनली फॉरेस्ट एरिया के लिए, और ये मैनेजमेंट प्लान है उसका पर्पज होता है जनरली अपने जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो भी फॉरेस्ट ही होते हैं, लेकिन एंगल जो है इसका वो रहता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, उससे रिलेटेड रहता है। तो कई बार क्या है कि ये दोनों नाम आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। ये मैनेजमेंट प्लान को वर्किंग प्लान समझ के ना पूछते ये हैं, और पूरा वर्किंग प्लान दे दनादन पूरा एक डेढ़ पेज भर के आ जाते हैं, फिर घर पे पता पड़ता है यार गलत जगह लिख के आ गए। तो ऐसा ना हो, जिस टर्म समझ लो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर अपना वर्किंग प्लान है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है वर्किंग प्लान, कैसे समझना, आसान सा सब्जेक्ट है, आराम से करो, हो जाता अपना।